इंडिया पाकिस्तान मैच में अंपायर ने बहुत बड़ी बेमानी की यहाँ पे रोहित शर्मा के अगेंस्ट और टीम इंडिया के अगेंस्ट। बात करूं मैं यहाँ पे एक अंपायर के नाम है यहाँ पे इरास्मस, जो काफी ज्यादा बेमानी कर रहा था और हर एक डिसीजन को नॉट आउट दे रहा था। मतलब यहाँ पे साउथ साइकिल वहां पे एलपीडब्ल्यू आउट था कुलदीप यादव के बॉल पे, तभी भी मतलब नॉट आउट दिया गया। साथ साथ में लास्ट बॉल पे जडेजा का जो था वो कैच था लास्ट, मतलब सबसे लास्ट विकेट की बात कर रहा हूँ, हरी श्रॉफ की, वो भी आउट था, उसको भी नॉट आउट दिया गया। रिजवान कभी कभी आउट होता है, उसको नॉट आउट दिया जाता है। तो यहाँ पे रेसमस नाम का एक जो एम्पायर था, थोड़ा आप कह सकते हो हेल्दी करके एम्पायर था रेसमस, उसने काफी ज्यादा बेमानी की, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था एम्पायर के ऊपर। और रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे थे एम्पायर को, लेकिन वो जो बार 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 बेमानी वाली चीजें हो रही थी और बार बार यहाँ पे डिसीजन मतलब इंडिया के फेवर में नहीं दिया जा रहा था, वो काफी ज्यादा चुभाने वाला था। और आप कह सकते हो आईसीसी में ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रोहित शर्मा इसी बात के लिए गुस्सा थे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने 192 रन का टारगेट चेस कर लिया, मतलब 191 पाकिस्तान की टीम ने बनाया था और 192 ने चेस वो इंडिया की टीम ने चेस कर लिया। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं मैच के दौरान हुई, जैसे कि जो रेसमस मैम का जो एम्पायर था वो नहीं मतलब आउट दे रहा था, अब मतलब पूरा बॉल विकेट पे लग रहा है, यहाँ पे ऑन द लाइन बॉल है, फिर भी नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट, मतलब इस बात को लेकर रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा थे। और गुस्सा हो भी क्यों ना भाई, यहाँ पे इतनी मेहनत करके हम लोग आउट करते हैं, एक तो वैसे विकेट फटा था, फटे विकेट पे बॉल डालना था, और बॉल डालते हुए जब हमारे प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे आउट कर दे रहे हैं तो आउट नहीं दिया जा रहा है एम्पायर के द्वारा, और यही चीज जो है काफी ज्यादा चुभाने वाली थी, यही चीज जो है काफी ज्यादा दुख देने वाली थी। बाद में देखिए डीआरएस सिस्टम इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्रिकेट में, आप इमर्जिंग एशिया कप की बात कीजिए, इमर्जिंग एशिया कप में क्या हुआ था कि वहां पे हमारे इंडियन प्लेयर को बार बार गलत डिसीजन से आउट दिया जा रहा था, जिसके वजह से इंडियन टीम जो इमर्जिंग एशिया कप हार गई। सेम चीजें यहाँ पे 14 अक्टूबर को हुई थी अहमदाबाद में, लेकिन वहां पे उस दिन हमारा था, वहां के लोग हमारे थे, और जो रोहित शर्मा जब जब डीआरएस लिया तब तक वो डिसीजन जो एम्पायर का था इरास्मस का उसका रॉन्ग हुआ। पहले साउथ शकील वाला डिसीजन कुलदीप यादव के ओवर में साउथ शकील के पैड पे पूरी बॉल लगी है और बॉल पूरे स्टंप को छू रही है, फिर भी यहाँ पे जो इरास्मस नाम का बंदा है मारियस इरास्मस, उसने नॉट आउट दिया उस चीज को। फिर रोहित शर्मा ने बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, रोहित शर्मा ने फिर खुद से यहाँ पे डिसीजन लिया डीआरएस का, बिना सोचे समझे डीआरएस का डिसीजन ले लिया और फिर बाद में क्या निकला, वो आउट निकला। सेम चीजें वहां पे लास्ट बॉल में हुई जडेजा की, जडेजा का बॉल जो है वो हारिस श्रॉफ के बैट में जाके लगा, जिसके बाद वो जो बॉल है कैच पीछे स्लिप में पकड़ा गया प्लेयर्स द्वारा, और फिर उसको जब अपील किया गया तो वही अंपायर के द्वारा नॉट आउट दिया गया। तो आप कह सकते हो एक बार नहीं, चलो एक बार यहाँ पे अंपायर से बेमानी होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दो से तीन बार, तीन से चार बार अंपायर के तरफ से यहाँ पे जो आई चीजें वो अच्छी चीजें नहीं थी। और आप कह सकते हो क्रिकेट में ये सब चीजें कभी कभी टीम को हरा भी सकता है, बहुत सारे मैचेस में होता है। कभी कभी मान लीजिए मैं अगर WTC फाइनल की बात करूं, तभी भी ऐसा हुआ था, WTC फाइनल में भी ये सेम डिसीजन यहाँ पे दिया गया था, शुभमन गिल का बॉल नीचे टच हो रहा था जमीन को लेकिन उसको आउट नहीं दिया गया। मतलब बहुत सारे डिसीजन जो कभी कभी है वो एम्पायर के तरफ से दिए जाते हैं, जो चीजें अच्छी बात नहीं होती है, और इसके वजह से जो प्लेयर थे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दिखा भी। रोहित शर्मा जो है काफी भयंकर तरीके से गुस्सा दिखे एम्पायर के ऊपर, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि प्लेयर से और वो एम्पायर है। लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ एम्पायर जो है वो एक बार गलत डिसीजन देते तो ठीक है, चलो गलत डिसीजन एक बार होगा, लेकिन बार बार अगर गलत डिसीजन है उसमें कुछ खोट जरूर है, और वो खोट दिखी उस दिन पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयर को फेवर किया जा रहा था, और वो पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के ऊपर मतलब जा रहा था कि हाँ भाई चलो ये मैच में ये चीजें हो रही थी, तो वो चीजें वहां पे आप कह सकते हो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर काफी अच्छी नहीं थी। मतलब एम्पायर के ऊपर रोहित शर्मा काफी ज्यादा एंग्री थे, गुस्सा थे, जिसके वजह से जो रोहित शर्मा है वो फिर एम्पायर को कुछ नहीं बोले और बाद में DRS का डिसीजन लेके जो चीजें हैं वो अपने पेपर में करवाई।